टुडे वी आर गोइंग स्टडी अबाउट कंप्यूटर स्टैंडर्ड सेकंड लेसन 3। तो देखो बच्चों, मैंने आपको लेसन पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसकी बेस पर यहाँ पे एक्सरसाइज है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिविंग इन द ब्रैकेट्स, यानी कि हमें ब्रैकेट्स में ऑप्शन दी गए हैं, उसकी हेल्प लेके यहाँ पे हमें ब्लैंक्स फिलअप करना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स में कौन से ऑप्शन दिए गए वो मैं आपको दिखाती हूँ। CPU, MONITOR मोनिटर, KEYBOARD कीबोर्ड, ENTER एंटर, MOUSE माउस, PRINTER प्रिंटर, SHIFT शिफ्ट, SPEAKER स्पीकर्स, SPACEBAR स्पेस बार, DELETE डिलीट, SCHOOLS टूल्स, CURSOR कर्सर, KEYS कर्सर किस। तो यहाँ पे सभी ब्रैकेट्स में जो ऑप्शन दी गए है इसकी हेल्प लेके हमें यहाँ पे ब्लैंक्स है 1 to 12 हमें फिलअप करना है। तो फर्स्ट, द ब्लैंक इज यूज टू पुट स्पेसेस बिटवीन लेटर्स और वर्ड्स। तो देखो बच्चों, मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था कि हमें लेटर्स और सेंटेंस के इसके बीच में हमें स्पेस छोड़ना है, तो हम किसे छोड़ेंगे, स्पेस बार। तो इसमें आंसर क्या आएगा, स्पेस बार। नेक्स्ट, द ब्लैंक इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का ब्रेन हम किसको कहते हैं, CPU को। तो इसमें आंसर क्या आएगा, CPU। द ब्लैंक प्रिंट्स वर्ड्स एंड पिक्चर, यानी कि प्रिंट यानी कि वर्ड्स और पिक्चर्स को प्रिंट करता है, तो कौन किस में होगा, प्रिंटर में। तो हमें कोई भी पिक्चर्स या वर्ड हमें प्रिंट निकालनी है तो हम प्रिंटर की हेल्प लेके निकाल सकते हैं, तो इसमें आंसर क्या आएगा, प्रिंटर। द कीज विथ एरोस आर कॉल्ड, यानी कि हम वो एरोस कीज हम जो कंट्रोल करते हैं, हम किसके करते हैं, कर्सर कीज। तो इसमें आंसर क्या आएगा, कर्सर की 4 होती है टोटल, अप डाउन राइट और लेफ्ट, जो मैंने आपको वीडियो में बताया था। द ब्लैंक हैज लेटर कीज एंड नंबर कीज ऑन इट, यानी कि लेटर कीज और नंबर की किस में होती है, कीबोर्ड में। इसमें आंसर क्या आएगा, कीबोर्ड। द ब्लैंक आर यूज टू लिसन टू म्यूजिक, हमें म्यूजिक सुनना है कंप्यूटर में, तो हम किस पार्ट किसे सुनेंगे, स्पीकर से। इसमें आंसर क्या आएगा, स्पीकर्स। द ब्लैंक इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, तो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि पॉइंटिंग डिवाइस किसे कहते हैं, माउस को। तो इसमें आंसर क्या आएगा, माउस। नेक्स्ट, द ब्लैंक शोज वॉट एवर यू टाइप यूजिंग द कीबोर्ड, तो हम जो भी कीबोर्ड से टाइप करते हो किसमें शो होगा, मॉनिटर पर। तो इसमें क्या आंसर आएगा, मॉनिटर। नेक्स्ट, द ब्लैंक की यूज टू गो टू द नेक्स्ट लाइन, यानी कि हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है तो हम किसको प्रेस करेंगे, किस की को प्रेस करेंगे, एंटर। तो इसमें आंसर क्या आएगा, ENTER। नेक्स्ट, द ब्लैंक की इज यूज टू टाइप इन कैपिटल लेटर, तो कैपिटल लेटर मैंने बताया था कीबोर्ड में 2 कीज के होता है, एक तो फर्स्ट कैप्स लॉक, नेक्स्ट सेव। तो कैप्स लॉक में तो मैंने आपको बताया था सभी लेटर्स कैपिटल करना है, तो हमें कैप्स लॉक ऑन करना पड़ेगा, और हमें एक ही लेटर यानी कि फर्स्ट, मोस्ट ऑफ हम स्पेलिंग में फर्स्ट लेटर कैपिटल करते हैं, राइट, तो हमें एक ही लेटर कैपिटल करना है, तो हम किससे करेंगे, शिफ्ट। तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट्स में ऑप्शन दिया गया है शिफ्ट, तो हमें इसमें आंसर क्या आएगा, शिफ्ट। द ब्लैंक की यूज टू इरेज वॉट यू हैव टाइप्ड, यानी कि हमने जो टाइप किया है इसको हमें बाई चांस मिस्टेक हो गई, तो हमें इसे इरेज करना है, तो हम किसे करेंगे, बैकस्पेस और डिलीट से, राइट। तो मैंने आपको बताया था अगले वीडियो में कि बैकस्पेस से भी इरेज होगा और डिलीट से भी इरेज होगा, तो लेफ्ट साइड का बैकस्पेस से इरेज होगा एंड राइट साइड का डिलीट से। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन क्या, कौन सा दिया गया है, डिलीट, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, डिलीट। अ कंप्यूटर इज यूज्ड इन, तो यहाँ क्या आंसर आएगा,
स्कूल्स, तो यहाँ कंप्यूटर का यूज कई सारे प्लेस पर होता है, जैसे कि ऑफिस, बैंक, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन कौन सा दिया गया है, स्कूल्स, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, स्कूल्स। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन टू, पुट अ टिक मार्क राइट अगेंस्ट द राइट सेंटेंस। यहाँ पे राइट सेंटेंस होगा तो यहाँ पे राइट करना है, एंड अ क्रॉस मार्क अगेंस्ट द रोंग वन। तो यहाँ पे रोंग सेंटेंस होगा उसमें हमें क्या करना है, क्रॉस की साइन, और राइट होगा तो हमें राइट करना है। फर्स्ट, अ कंप्यूटर इज नॉट यूज्ड एट होम। ये पूरा सेंटेंस गलत है। कंप्यूटर का यूज एट होम यानी कि हम घर पर भी यूज करते हैं, तो ये पूरा सेंटेंस गलत है। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, रॉन्ग। सेकेंड, अ कंप्यूटर इज यूज इन ऑफिस। ऑब्वियसली हम कंप्यूटर का यूज ऑफिस में करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, आंसर राइट। अ कंप्यूटर इज नॉट यूज टू प्ले गेम्स। तो ये पूरा सेंटेंस गलत है। हम कंप्यूटर का यूज ऑब्वियसली गेम खेलने में, प्ले गेम्स यानी कि गेम खेलते हैं, राइट। तो इसमें क्या आंसर आएगा, रॉन्ग। अ कंप्यूटर इज नॉट यूज इन हॉस्पिटल, यानी कि कंप्यूटर का यूज हॉस्पिटल में नहीं होता है। तो ये पूरा सेंटेंस गलत है, तो इसमें भी आंसर क्या आएगा, रॉन्ग। इनफैक्ट हॉस्पिटल में कंप्यूटर का यूज होता है। फाइव नंबर, अ कंप्यूटर इज यूज्ड टू वॉच मूवीज। तो ऑब्वियसली हम कंप्यूटर में मूवीज वॉचिंग कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, राइट। तो इसमें क्या आएगा, आंसर राइट। द बैकस्पेस की इज यूज्ड टू इरेज व्हाट यू हैव टाइप्ड, यानी कि हमें कंप्यूटर में, हमें कीबोर्ड के थ्रू हमें कंप्यूटर में जो टाइप किया है वो हमें इरेज करना है, तो हम बैकस्पेस और डिलीट से दोनों से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, राइट। तो देखो बच्चों, ये सभी आप ये एक्सरसाइज है, सभी 1 to 12 ब्लैंक्स और 1 to 6 राइट एंड रॉन्ग आपको कंप्यूटर की बुक में फिलअप करना है। थैंक यू।